अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद कारीम ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता के पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो यह भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फास्ट करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ ऐसी चंद चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है, और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरतअंगेज चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात यह थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में बनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीट्रियॉइड्स मिल चुके हैं। मीट्रियॉइड्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीट्रियॉइड्स में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मीट्रियॉइड्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मीट्रियॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है क्योंकि इस मीट्रियॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है, लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोजोसॉर्स और प्लीसियोसॉरस के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हम सबने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक ये माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज्यादा हैरतअंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 times ज्यादा सॉल्ट है जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है।
किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप के बैक्टीरिया भी पाए गए जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आया, ये राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह है तो वो भी एंटार्क्टिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली एंटार्क्टिका में ही डिस्कवर की गई थी जहां पर पिछले 20 लाख सालों से एक मर्तबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज तरीन हवाओं का राज है जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं से यहां मौजूद पानी का कतरा कतरा इवेपोरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर्स दूर मार्स से काफ़ी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले एंटार्क्टिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मकलूफ का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरतअंगेज तौर पे इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है जिसकी हड्डियाँ बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पे आया कहाँ से था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।